नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल बजरंग स्टडीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी पुस्तक संस्कृत स्पंदना के पाठ नंबर 12 मरु सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मरुस्थल की सुंदरताओं के बारे में बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं हम अपना पाठ नंबर 12 मरु सौंदर्यम। शरीर विज्ञान विचक्षणीन माने शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ चरकेश्वरीन माने आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है माने प्रशंसित अयम माने यह है देश है माने देश शुष्क अपि माने सूखा होते हुए भी इसने हार्द भावक रसी माने इसने भाव के कारण नित्यम माने हमेशा विशिष्ट माने विशिष्ट और सरसय माने रस से युक्त है। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह मरुस्थल प्रदेश सूखा होते हुए भी इसने भाव के कारण हमेशा विशिष्ट और रस से युक्त है। शरीर विज्ञान विचक्षणीन माने शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ चरकेश्वरीन माने आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है माने प्रशंसित शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित अयम माने यह है देश है माने मरुस्थल प्रदेश शुष्क है अपि माने सूखा होते हुए भी इसने हार्द भाव एक रस माने इसने भाव के कारण नित्यम माने हमेशा विशिष्ट माने विशिष्ट और सरसय माने रस से युक्त है। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित यह मरुस्थल प्रदेश सूखा होते हुए भी इसने भाव के कारण हमेशा विशिष्ट और रस से युक्त है। मरु माने स्वर्ण माने सोने के समान मरु माने मरुस्थल प्रदेश येन माने जिसने ने माने नहीं दृष्टे माने देखा है सोने के समान मरुस्थल प्रदेश जिसने नहीं देखा है तेन माने उसने कोहचित माने कहाँ किम माने क्या सुदृश्यम माने अच्छा दृश्य दृष्टम माने देखा है उसने कहाँ पर क्या अच्छा दृश्य देखा है। ये माने जो सुमेरु श्रृंगा माने सुमेरु पर्वत की चोटियां मरु माने मरुस्थल में स्फुटम माने स्पष्ट रूप से भांति माने सुशोभित होती हैं जो सुमेरु पर्वत की चोटियां मरुस्थल में स्पष्ट रूप से सुशोभित होती हैं ते माने बेशोभा कृष्णासु माने काली सलासु माने सलाव में न माने नहीं मृगया माने ढूंढी जा सकती है ऐसी शोभा काली सलाव में भी नहीं ढूंढी जा सकती है। सुवर्ण माने सोने के समान मरुस्थल प्रदेश जिसने नहीं देखा है उसने कहाँ क्या अच्छा दृश्य देखा है। जो सुमेरु पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल प्रदेश में स्पष्ट रूप से सुशोभित होती हैं ऐसी शोभा काली सलाओं में भी नहीं ढूंढी जा सकती है। स्वर्ण माने सोने के समान मरु माने मरुस्थल प्रदेश येन माने जिसने न माने नहीं दृष्टे माने देखा है सोने के समान मरुस्थल प्रदेश जिसने नहीं देखा है तेन माने उसने क्वचित माने कहाँ किम माने क्या सुदृश्यम माने अच्छा दृश्य दृष्टम माने देखा है उसने कहाँ क्या अच्छा दृश्य देखा है। सुमेरु श्रृंगा माने बालू पर्वत की चोटियाँ मरु माने मरुस्थल में स्फुटम माने स्पष्ट रूप से भांति माने सुशोभित होती हैं सुमेरु पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल में स्पष्ट रूप से सुशोभित होती हैं और ते माने बेशोभा कृष्णासु माने काली सलासु माने सलाओं में न माने नहीं मृगया माने ढूंढी जा सकती है और ऐसी शोभा काली सलाओं में भी नहीं ढूंढी जा सकती है। सोने के समान मरुस्थल प्रदेश जिसने नहीं देखा है उसने कहाँ क्या अच्छा दृश्य देखा है। जो सुमेरु पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल में स्पष्ट रूप से सुशोभित होती हैं ऐसी शोभा काली सलाओं में भी नहीं ढूंढी जा सकती है। हमारा अगला श्लोक है क्वचित माने कहीं पर रम्य माने सुंदर हेम वर्णे माने सोने के समान भाष्वती माने चमकने वाले सेकत वप्रसानो माने बालू रेत के टीले प्रातः माने प्रातः चय माने और प्रदोषे माने रात्रि में सुखम माने सुखपूर्वक स्थितानाम माने बैठे हुए केसाम माने किन लोगों के चेतांशी माने हृदयों को न माने नहीं विकासवंती माने आकर्षित करते हैं। कहीं पर सुंदर कोमल सोने के समान चमकने वाले बालू रेत के टीले प्रातः और रात्रि में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करते हैं अर्थात वे बालू रेत के टीले सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करते हैं।
कहीं पर सुंदर कोमल सोने के समान चमकने वाले बालू रेत के टीले प्रातः और रात्रि में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करते हैं। क्वचित माने कहीं पर, रम्य माने सुंदर, सुकोमले माने कोमल, हेमवर्णी माने सोने के समान, भाष्वती माने चमकने वाले, सिकत व प्रसानव माने बालू रेत के टीले, प्रातः माने प्रातः, चय माने और प्रदोषे माने रात्रि में, सुखम माने सुखपूर्वक, स्थिताना माने बैठे हुए, केशा माने किन लोगों के, चेतांसी माने हृदय को, न माने नहीं, विकासवंती माने आकर्षित करते हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करते हैं। कहीं पर सुंदर कोमल सोने के समान चमकने वाले बालू रेत के टीले प्रातः और रात्रि में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करते हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करते हैं। और अगला श्लोक है, स माने बह, शीतल माने शीतल, गंध बह माने सुगंधित, समीर माने वायु। वह शीतल और सुगंधित वायु, स माने बह, तित्राणाम माने तीतरों का, मधुर माने मधुर, बिरावह माने कुंजन। वह तीतरों का मधुर कुंजन, तत् माने बह, बहर विभूषणा नाम माने मयूरों का, नर्तनम माने नृत्य, मयूरों का बह नृत्य। और चे माने और, सा माने बह, कुरंगवाणाम माने हिरणों की, समुत्पुलति माने उछलकूद, और हिरणों की बह उछलकूद किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती है। बह शीतल और सुगंधित वायु, बह तीतरों का मधुर कुंजन, मयूरों का बह नृत्य और हिरणों की बह उछलकूद किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती है। सह माने बह, शीतल माने शीतल, गंध बह माने सुगंधित, समीर माने वायु। वह शीतल और सुगंधित वायु, सह माने बह, तित्राणाम माने तीतरों का, मधुर माने मधुर, ब्रावे माने कुंजन। वह तीतरों का मधुर कुंजन, तत् माने बह, बहर भूषणाना माने मयूरों का, नर्तन माने नृत्य, मयूरों का बह नृत्य। और सा माने बह, कुरंगवाणाम माने हिरणों की, समुत्पुलति माने उछलकूद और हिरणों की बह उछलकूद किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती है। वह शीतल और सुगंधित वायु, तीतरों का बह मधुर कुंजन, मयूरों का बह नृत्य और हिरणों की बह उछलकूद किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती है। अगला श्लोक है, ते माने बे, तुंदला माने मोटे, स्वादु रसा माने स्वादिष्ट, कलिंगा माने मतीरे। बे मोटे और स्वादिष्ट मतीरे, सा माने बह, शारदी माने शरद ऋतु की, चंचल माने चंचल, चंद्रिका माने चांदनी। शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी। स्फुर गावलीसु माने पक्षियों की पंक्तियों में, स्फुरंती माने फड़फड़ाती हुई, स्फूर्ति माने स्फूर्ति, पक्षियों की पंक्तियों में फड़फड़ाती हुई स्फूर्ति। च माने और, ता माने बे, किरमिलका नाम माने ऊँटों की, गतिये माने गतियाँ और ऊँटों की वे गतियाँ किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती हैं। वे मोटे और स्वादिष्ट मतीरे, शरद ऋतु की वह संचल चांदनी, पक्षियों की पंक्तियों में फड़फड़ाती हुई वह स्फूर्ति और ऊँटों की वे गतियाँ किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती हैं। ते माने बे, कुंदला माने मोटे, स्वादु रसा माने स्वादिष्ट, कलिंगा माने मतीरे। बे मोटे और स्वादिष्ट मतीरे, सा माने बह, शारदी माने शरद ऋतु की, चंचल माने चंचल, चंद्रिका माने चांदनी। शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी। स्फुर गावलीसु माने पक्षियों की पंक्तियों में, स्फुरंती माने फड़फड़ाती हुई, स्फूर्ति माने स्फूर्ति, पक्षियों की पंक्तियों में वह फड़फड़ाती हुई स्फूर्ति। और क्रमिलकाना माने ऊँटों की, ता माने बे, गतियाँ माने गतियाँ और ऊँटों की वे गतियाँ किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती हैं। वे मोटे और स्वादिष्ट मतीरे, वह शरद ऋतु की चंचल चांदनी, पक्षियों की पंक्तियों में फड़फड़ाती हुई वह स्फूर्ति और ऊँटों की वे गतियाँ किन लोगों के हृदयों को आकर्षित नहीं करती हैं, अर्थात सभी लोगों के हृदयों को आकर्षित करती हैं। अगला श्लोक है, वर्षा आगम माने वर्षा ऋतु के आने पर, चारु माने सुंदर, मरुम माने मरुस्थल को, बिहाय माने छोड़कर, अन्यत्र माने अन्यत्र, क्वे माने कहाँ, कश्यापि माने किसी का, चित्तम माने हृदय, रमित माने आनंदित होता है। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहाँ,
किसी का हृदय आनंदित होता है। यस्मिन माने जिस मरुस्थल में वर्षा समय अपि माने वर्षा के समय में भी सरसू माने सरोवरों में शरद प्रसन्नम माने शरद ऋतु के समान निर्मल सलिलम माने जल चकास्ती माने सुशोभित होता है। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहाँ किसी का हृदय आनंदित होता है। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। वर्षा आगमी माने वर्षा ऋतु के आने पर चारु माने सुंदर मरु माने मरुस्थल को बेहाय माने छोड़कर वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र माने अन्यत्र वह माने कहाँ कश्यापि माने किसी का चित्तम माने हृदय रमित माने आनंदित होता है। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहाँ किसी का हृदय आनंदित होता है। यस्मिन माने जिस मरुस्थल में सरसू माने सरोवरों में वर्षा समय अपि माने वर्षा के समय में भी जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में शरद प्रसन्नम माने शरद ऋतु के समान निर्मल सलिलम माने जल सतास्ती माने सुशोभित होता है। शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। वर्षा ऋतु के आने पर सुंदर मरुस्थल को छोड़कर अन्यत्र कहाँ किसी का हृदय आनंदित होता है। जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। हमारा अगला श्लोक है, मरु माने मरुस्थल में गावे माने गाय प्रसन्ना माने प्रसन्न है। मरुस्थल में गाय प्रसन्न है। मनुजा माने मनुष्य प्रसन्ना माने प्रसन्न है। मनुष्य प्रसन्न है। व्रतदान यज्ञ माने व्रतदान यज्ञों से देवा माने देवता प्रसन्ना माने प्रसन्न है। व्रतदान यज्ञों से देवता प्रसन्न है। तत् माने ऐसा किम माने क्या है। यत् माने जिससे। मरु माने मरुस्थल। समृद्ध माने समृद्ध न माने नहीं है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल समृद्ध नहीं है। भवता माने आपके द्वारा। विद्या माने विद्या से। समृद्ध माने समृद्ध विधे माने किया जाना चाहिए। आपके द्वारा विद्या से समृद्ध किया जाना चाहिए। मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है और व्रतदान यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल प्रसन्न नहीं है। आपके द्वारा केवल उसे विद्या से समृद्ध किया जाना चाहिए। मरु माने मरुस्थल में गावे माने गाय प्रसन्ना माने प्रसन्न है। मनुजा माने मनुष्य प्रसन्ना माने प्रसन्न है। व्रतदान यज्ञ माने व्रतदान यज्ञों से देवा माने देवता भी प्रसन्ना माने प्रसन्न है। मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रतदान यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। तत् माने ऐसा किम माने क्या है। यत् माने जिससे। मरु माने मरुस्थल न माने नहीं समृद्ध माने समृद्ध है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल समृद्ध नहीं है। भवता माने आपके द्वारा। विद्या माने विद्या से। समृद्ध माने समृद्ध विधि माने किया जाना चाहिए। आपके द्वारा मरुस्थल को केवल विद्या से समृद्ध किया जाना चाहिए। मरुस्थल में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रतदान यज्ञों से देवता भी प्रसन्न है। ऐसा क्या है जिससे मरुस्थल प्रसन्न नहीं है। आपके द्वारा विद्या से समृद्ध किया जाना चाहिए। हमारा अंतिम जो श्लोक है वो है, मानम माने सम्मान, मनीषिता माने विद्वानता, मैत्री माने मित्रता, उष्णम माने गरम, मर्द माने वायु, मृगा माने हिरणों की, मरीचिका माने प्यास और मनुष्याणाम माने मनुष्यों के, मूर्धनी माने सिर की, ऊषणी सम्माने पगड़ी, मनुष्यों के सिर की पगड़ी, ये सभी मरु माने मरुस्थल की प्रमुखम माने विशेषताएं हैं। ये सभी मरुस्थल की विशेषताएं हैं। सम्मान, विद्वानता, मित्रता, गर्म वायु, हिरणों की प्यास और मनुष्यों के सिर की पगड़ी, ये सभी मरुस्थल की विशेषताएं हैं। मानव माने सम्मान, मनीषिता माने विद्वानता, मैत्री माने मित्रता, उष्णम माने गर्म, मरुत माने वायु, मृगा माने हिरणों की, मरीचिका माने प्यास, मनुष्याणाम माने मनुष्यों की, मूर्धनी माने सिर की, ऊषणी सम्माने पगड़ी, मनुष्यों की सिर की पगड़ी, ये सभी मरु माने मरुस्थल की प्रमुखम माने विशेषताएं हैं। ये सभी मरुस्थल की विशेषताएं हैं। सम्मान, विद्वानता, मित्रता, गर्म वायु, हिरणों की प्यास और मनुष्यों के सिर की पगड़ी, ये सभी मरुस्थल की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अध्याय नंबर 12 पूरा। आप सभी इसका स्वाध्याय करें,
और जो भी आपकी समस्याएं हों वो हमसे पूछें। धन्यवाद।